आज मैं आपको सिखाऊंगी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो ये देखिए मैं चॉक से लिख रही हूँ इस जगह पर। F मतलब फेस वैल्यू और P मतलब प्लेस वैल्यू। तो देखिए जैसे कि मेरा नाम उन्नति है और रहेगा भी हरदम उन्नति ही। तो ये हो गया हमारा फेस वैल्यू। अब देखिए मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अब कल मैं टीचर भी बन सकती हूँ, प्रेसिडेंट भी बन सकती हूँ, प्राइम मिनिस्टर और पायलट भी बन सकती हूँ। तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। तो इसका मतलब है फेस वैल्यू सेम होती है और प्लेस वैल्यू बदलती रहती है। देखिए मैं कोई गिनती लिख रही हूँ, 2 7 8 3 2 1। दे देखिए मैंने 6 गिनती लिखी है, आप कोई भी गिनती लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का कुछ किया है। तो ये देखिए 1000 ये हो गया और ये कर दिया मैंने यहाँ पर लैक, है ना। तो देखिए 2,78,321। तो देखिए अब मैं आपको समझा रही हूँ। तो कुछ इस तरह का हमने कर लिया है, F मतलब फेस वैल्यू, P मतलब प्लेस वैल्यू। तो इस तरह के मैंने 6 नंबर ले लिए, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो 1 इसमें 1 के आगे कोई भी गिनती नहीं है, है ना। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, फेस वैल्यू सेम का सेम ही रहेगा। और ये देखिए यहाँ पर 1 है, 1 के इस साइड तो कोई भी गिनती नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 1 का 1 ही लिखेंगे। फिर यहाँ 2 है, 2 इसमें ये वाला है, तो यहाँ पर 1 गिनती है ना, तो इसको हम 0 बना देंगे। तो देखिए इस तरह से, ये देखिए 2 है और ये देखिए यहाँ पर 1 गिनती, तो हम इसको 0 बना देंगे। ये 0, ये हो गया 20। ये देखिए अब हम दूसरा 2 करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, फिर 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर 50 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह हो गया। अब देखिए यहाँ 3 है, 1 2, ये 300 हो गया। यहाँ पर हमने 3 लिखा, तो ये देखिए हमने यहाँ पर 20 लगा दिया। अब देखिए 7, 1 2 3 4, है ना। तो 7 यहाँ पर है और 1 2 3 4। तो ये देखिए यहाँ तक हमने कर लिया है। अब यहाँ पर 8 हमने यहाँ पर 8 लिख दिया है, 1 2 3।